Hello everyone, how are you all students? Students, today we will study about application of derivatives chapter number 6 and maxima and minima. This is very important topic for your board examination point of view and in your future. So students, maxima and minima. Here we will use concept of derivatives to calculate the maxima and minima values of various functions. We will find the running points of a graph and turning points of graph of a function, and then find point at which the graph reaches its highest locally or lowest. Also find absolute maximum and absolute minimum value of this function. So students, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा की. मैक्सिमा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक कर्व ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज अ कर्व एंड द वैल्यू ऑफ दिस कर्व. अब इस कर्व की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी सपोज इस पॉइंट पे अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलता है तो इसको कहते हैं मैक्सिमा. व्हाट मैक्सिमा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सपोज दिस इज एट सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पर होगा वो मैक्सिमा होगा. सी लोएस्ट वैल्यू कहाँ आएगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे कम तो वैल्यू आएगा हाईएस्ट. यानी जब यहाँ ग्राफ में आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. एक सिचुएशन ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर के लिए. वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, देन डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ यानी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होना शुरू होता है, यहाँ से चेंज हो रहा है, बढ़ते गया, फिर क्या हुआ? डिक्रीज होते गया. तो यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा और इसको कहते हैं मैक्सिमा पॉइंट, राइट. अब मैथमेटिकली देखें तो इस तरह हम कह सकते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल आई. कोई आई इंटरवल सपोज कर लिया, जैसे इंटरवल आप जानते हैं ए टू बी, ओपन इंटरवल, यानी ए से बी, दिस इज इंटरवल. सो स्टूडेंट्स, एट सी, किसी सी पॉइंट पे मैंने कह दिया वहाँ पे सी कोई फंक्शन था इस इंटरवल, यानी यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या हुआ? इंटरवल हुआ. सपोज मैं यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ. सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, दिस इज इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, राइट. किसी इंटरवल में क्या होता है? ये मैक्सिमम होता है या मैक्सिमा पॉइंट कहते हैं. सच दैट किस तरह होना चाहिए? f ऑफ c इज ग्रेटर देन एफ एक्स. अगर f ऑफ c इज ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, फॉर एवरी का सिंबल है x बिलोंग्स टू i, उसी i में होना चाहिए, उसी इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, जो ये एफ सी है, एफ सी इज कॉल्ड, एफ सी क्या होता है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कहता है. एफ सी जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ मीन्स फंक्शन, यानी एट सी पे फंक्शन की वैल्यू एफ सी होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स. सिमिलरली मिनिमम के लिए, मिनिमा के लिए देखिए, मिनिमा के लिए मैंने बताया इस पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा, यहाँ से भी चेंज होना शुरू होगा क्योंकि यहाँ से डिक्रीज होते गया. तो डिक्रीज होने वाला जहाँ इंक्रीज होते हैं वहाँ पर मिनिमम पॉइंट आपको मिलेगा, मिनिमा कहते हैं. और मिनिमा को मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, यहाँ देखिए ऊपर वाले का ठीक अपोजिट होता है, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स था, यहाँ होगा एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, जो एक्स होगा उसी उसमें बिलोंग कर जाएगा. देन पॉइंट सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, जो सी पॉइंट है यानी एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू. व्हाट? मिनिमम
वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ एक्सट्रीम वैल्यू, अब एक्सट्रीम वैल्यू किसको कहते हैं? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एक्सट्रीम वैल्यू इन आई, किसी इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यू कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट सी, एक सी एग्जिस्ट करता है मींस एक कोई पॉइंट सी है सच दैट एफ सी जो फंक्शन की वैल्यू एट सी है आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, आइदर मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू होना चाहिए इन दैट इंटरवल राइट, देन एफ सी इज कॉल्ड, तब हम एफ सी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जो एफ सी है आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एफ सी क्या होना चाहिए? आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ये पॉइंट आया आपका सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से इंक्रीज होते हैं या फिर यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाता है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे अगर इस तरह देखें टेंजेंट ड्रॉ करें तो एफ डैश सी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी स्लोप जीरो हो जाता है। और जो ये एफ डैश सी इक्वल टू जीरो है इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई दिक्कत होता है समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।